हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपना जो पीएफ का जो पीएफ फंड है आपका, उसका बैलेंस कैसे चेक करेंगे ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से, और उसकी जो पासबुक है उसे कैसे आप डाउनलोड करेंगे। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो आपका होता है उसे आप मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कैसे चेक करना है, और उसकी जो पासबुक है उसको डाउनलोड करने का प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं और पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ आप उमंग ऐप सर्च कर लेंगे इस तरह से। इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे इस तरह से, आपका ये उमंग ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ अग्री करके इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो यहां आपने क्या करना है, लॉगिन इसको करना है। यहां से लॉगिन इसमें उमंग ऐप में लॉगिन कर लेंगे। तो यहां दोस्तों मोबाइल नंबर और एम पिन के माध्यम से आप इसे लॉगिन कर लेंगे। अगर लॉगिन नहीं किया है तो आप इसे रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो दोस्तों उमंग ऐप में आपने लॉगिन कर लेना है। इस तरह से लॉगिन करने के बाद आप इसमें नीचे आएंगे। इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है और इसी में आपको आपका ईपीएफ चेक करने का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल सर्विसेज पे जाना है और यहाँ सर्च करना है ईपीएफओ। इस तरह से आप ईपीएफओ सर्च कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको ईपीएफओ का ऑप्शन ये मिल चुका है। सर्च करने के बाद इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे इस तरह के जो आपके ईपीएफ से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जैसे पासबुक चेक करना, आपने जो क्लेम किया है उसको ट्रैक करना, इस तरह से बहुत सारे यहाँ यूएन एक्टिवेट करना, ये सारी यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर ही यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। इस पे लॉगिन पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको अपना यूएन नंबर और इस पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको डालना है। तो दोस्तों यहाँ अपना यूएन नंबर डालेंगे और यूएन नंबर डालते ही यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी जब हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो उसका जो ओटीपी है हम यहाँ डालेंगे और इसे लॉगिन कर देंगे। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का जो पेज है वो हमारी स्क्रीन पे आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं वेलकम यूएन, और उसके बाद हमारा यूएन नंबर है, नीचे कंपनी का नाम है, और उसके बाद नीचे हमारी मेंबर आईडी है। इसके बाद हम मेंबर आईडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो मेंबर आईडी पे क्लिक करते ही हमारी स्क्रीन पे मेंबर आईडी और उसके नेम आ जाते हैं और उसकी पूरी जो डिटेल है वो आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट नंबर, मेंबर नंबर और आईडी, ऑफिस नेम यानी आपका जो पीएफ, जो आपका ईपीएफ ऑफिस है वो कौन सा ऑफिस है, उसके बाद एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयड शेयर आपके दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये आपका दोस्तों टोटल जो है इस तरह का यहाँ पे आपका बैलेंस, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी में नीचे आप देख सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ दोस्तों डिपॉजिट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप अपना डिपॉजिट यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका डिपॉजिट, कुल कितना डिपॉजिट है, और इसी पे आपको इधर विड्रॉल पे स्क्रॉल इसको करेंगे तो आपने विड्रॉल कितना किया है, कब कब किया है, आपकी पूरी यहाँ पे जानकारी आ जाती है। अब दोस्तों आपको अगर आपकी जो पासबुक है, पीएफ की पासबुक है, वो आपको डाउनलोड करनी है, यहाँ पे आपको सारी जो विड्रॉल्स और या डिपॉजिट हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरी जो आपकी विड्रॉल्स हैं और जो डिपॉजिट्स हैं वो आप देखना चाहते हैं, पासबुक में देखना चाहते हैं, तो कैसे आप करेंगे, इसी में नीचे आप आएंगे, विड्रॉल्स में नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पासबुक डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ डाउनलोड पर आपने क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों पासबुक डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस तरह की आपकी जो पासबुक है उसमें जो भी विड्रॉल हुए हैं और जो भी डिपॉजिट हुए हैं उसकी पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। इस तरह से दोस्तों जो आपका पीएफ है उसकी पूरी जानकारी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और इस तरह से पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पीएफ चेक कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आपकी पासबुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों अगर इम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।